सोलन में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ये संक्रमण शहर में ज्यादा ना फैल जाए, इसको लेकर जहां जिला प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है, वहीं अब सोलन के समाज सेवी भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन की इस मुहिम में हाथ बटाने के लिए आगे आ रहे हैं। समाज सेवी तरसेम भारती ने सोलन के पुराने बस स्टैंड पर उपस्थित ऑटो चालकों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। इस मौके पर ऑटो चालकों को जागरूक किया कि कोरोना के इस संकट काल में जिला प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा दिए जा रहे आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि वे अपना और अपने परिवार का संक्रमण से सुरक्षित कर सकें। अधिक जानकारी देते हुए समाज सेवी तरसे भारती ने बताया कि ऑटो चालक अपना स्वास्थ्य ताक पर रखकर सवारियों को इधर से उधर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वे कुछ ही क्षणों में बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोलन के ऑटो चालकों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए, ताकि वे सुरक्षित रहें और ऑटो में बैठ रही सवारियों को भी सुरक्षित रखें, उनके गंतव्य स्थानों पर उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर पर प्रदेश में लोग कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों का अनुसरण कर रहे थे, जिसके चलते कोरोना के मामलों पर नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन अब सोलन की जनता नियमों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब जागरूक होने की आवश्यकता है, जिसके लिए वे सोलन में विशेष अभियान चला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अवश्य करें। कोविड-19 के चलते हुए आज हमें आवश्यकता है कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं कि इस महामारी से बचने के लिए जिन उपायों को हमने शुरू में अपनाया था और उसके चलते हिंदुस्तान में रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, परंतु जैसे जैसे हम लापरवाही बरतते जा रहे हैं और पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए आज हमने निर्णय लिया कि फिर लोगों को जागरूक किया जाए और जो 2 गज की दूरी, सैनिटाइज़र और मास्क का जो अभियान हमने आरम्भ किया था, हम उस पर कायम रहें ताकि इस महामारी से अपने को और अपने परिवार को हम बचा रखें। इसी के चलते आज ऑटो रिक्शा जो हैं, हमारे यहाँ जो ऑटो चलते हैं, हमने वहाँ पर मास्क बांटकर सैनिटाइज़र देकर और उनसे आग्रह किया है, उनको जागरूक किया है कि वो इसका पालन करें ताकि वो स्वस्थ रहें। वहाँ से हमने शुभारम्भ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर आज आवश्यकता है कि द्वारा से हम लोगों को जागरूक करें ताकि वो जो ये उपाय सुझाए गए हैं इस महामारी से बचने के लिए, उसको द्वारा उस पर अमल करें